पता चला कि इसके बेस्ट हाउस है जो सूरत का आपके पास है। ये देखिए भाई, गर्मा गर्म बिल्कुल। दिल्ली वाले सोच रहे होंगे कौन सी आलू पूरी है। उसके बाद हम खाएंगे खाउसा, क्या होता है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। दोस्तों हम आ चुके हैं आज आपको खिलाने के लिए सूरत की स्पेशल चीज़ें, जो कि सिर्फ आपको सूरत में मिलेंगी, इससे बाहर नहीं मिलेंगी। एक तो मैं आपको खिलाऊंगा आलू पूरी। अब भाई नॉर्थ साइड वाले सोचेंगे आलू पूरी तो हमने खा रखी है, लेकिन ये आलू पूरी बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद हम खाएंगे खाउसा, क्या होता है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बड़ी ही टेस्टी चीज़ है यार, सच में यार। अंदर चलते हैं, हम आ चुके हैं जय साईनाथ पे। वीडियो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। और एड्रेस मुझे बता दो एक बार। ये न्यू पाल रोड, सौरव पुलिस चौकी के बाजू में, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कैसा टेस्ट होने वाला है। तो भाई ये भैया हैं, ओनर हैं यहाँ के। नमस्कार सर जी, आप अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे? मम्मी पापा सब काम करते हैं, पूरी फैमिली काम करती है। सर एकदम मुझे पता चला कि इसका बेस्ट हाउस है जो सूरत का आपके पास है, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर लाए हैं हमें। तो पहले तो ये बताइए, मैं नॉन गुजराती हूँ, मुझे नहीं पता खाउसा है क्या, क्या होता है ये? खाउसा सूप अपना कोकोनट का बनता है। अच्छा ये है, थोड़े बहुत कोकोनट का बनता है। कोकोनट को क्रश करके पानी डाल के इसको उबालना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। अच्छा, उसमें नमक मिर्ची सब रहता है, कोकोनट का सूप है। उसमें नूडल्स आएगा, फिर चटनी आएगा, और नींबू मिर्च का प्याज आएगा, फिर ऊपर से पापड़ी डाल के फिर ये सूप डालने का। अच्छा, तो ये सूरती आइटम है? हाँ, ये मतलब ये बाहर की आइटम, लेकिन ये सूरत में अभी फेमस है। सही है। और साथ में आपने समोसे और ये समोसे है, समोसे बड़े, ये छोटे वाले, ये चाइनीज रोल है। अच्छा, और साथ में आलू पूरी भी है। हाँ, कितना टाइम हो गया दुकान में? हमारे को यहाँ पे 2.5 साल हुआ, लेकिन हमारा टोटल 7-8 साल हो गए। 8 साल हुए, सही है। लारी था मेरा। अच्छा, पुलिस चौकी के सामने इधर। अच्छा सही है। तो सर लगाइए, फिर एक खाउसा लगाइए, थोड़ा टेस्ट करते हैं। ये नूडल्स आएंगे? नूडल्स आएंगे, ये छोटे साइज, छोटे छोटे। हाँ, वो काट दिए, मतलब छोटे कर दिए। फिर प्याज रहेंगे, फिर ये चटनी रहेगी, गार्लिक चटनी है, ठीक है। फिर ये शेजवान चटनी है, फिर ये मसाला आएगा, मैगी मसाला आएगा, फिर नींबू रहेगा, और ये पापड़ी रहेगी, मैंने की बापी आती है। अच्छा, छोड़ के डालो, और ये ऊपर से हरा प्याज आएगा, और तीखी चटनी आएगी। तीखी वाली? हाँ, मीडियम रखो ना। हाँ, जैसा आप देते हैं स्टैंडर्ड से। देखो कोकोनट का शायद, अभी इसको मिक्स करके खाने का। अच्छा, ये तो काफ़ी लग रहा है, हेल्दी होता होगा ना? हाँ, थोड़ा कोकोनट भी है, हेल्दी है। टेस्ट करते हैं और आपको फिर स्वाद बताते हैं। तो खाउसा अपना आ चुका है, ये देखिए भाई गर्मा गर्म बिल्कुल। अंदर नूडल्स वूडल्स सब कुछ है, इसको थोड़ा सा हाफ शेयर करते हैं पहले, इतना तुमसे खाया नहीं जाएगा। इनकी स्पून मुझे काफ़ी बढ़िया लगी यार, प्लास्टिक की सूप वाली, गर्म ज़्यादा है। बड़ी टेस्टी चीज़ है यार। एक्चुअली जो क्रश्ड कोकोनट होते हैं ना, उसका भी मतलब स्वाद आ रहा है, अमेजिंग यार। मुझे पापड़ी जान डाल रही है इसमें, पूरा क्रंची कर रही है बीच बीच में ना, बाकी नूडल्स, हरे प्याज। स्वाद इसका थोड़ा नमकीन है, हल्का सा खट्टा है, और कोकोनट का स्वाद आ रहा है। बाइट करोगे तो छोटे छोटे कोकोनट्स नहीं आते, चिर चिर से होते हैं, मसालेदार एक नंबर। सूरत की ऑथेंटिक डिश बाहर से आई है? सूरत की है नहीं, लेकिन सूरत में ज़्यादा खाते हैं और फेमस हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, कमाल है। तो बाकी फिर एक आलू पूरी लेते हैं यहाँ पे, ये भी सूरत की आइटम है, ये सूरत में फेमस है। अच्छा, सूरत का ही है ये, ऊपर ये चना और आलू है। हाँ, ये मटर रहता है, मटर बटाना। हाँ, आलू और मटर, ठीक है। दिल्ली वाले सोच रहे होंगे कौन सी आलू पूरी है। और ये जो ये क्या क्या डाल रहे हैं? कोकम की चटनी रहती है। अच्छा, और ये हरी मिर्ची, सही है, तीखा वाली।
अच्छा, बाकी ये सर ये क्या मैदे को फ्राई करके लाते हैं? हाँ वो मैदे को फ्राई करते हैं, लग रहा है काफ़ी कम देर के लिए फ्राई करा जाता है। हाँ थोड़ा ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा क्योंकि फिर वो कड़क हो जाएगा, मैदा है इसके लिए। पापड़ी का चूरा है, तीन पापड़ी भी रहती है, सेव भी रहता है, तीखा वाला पीला वाला दोनों रहते हैं, जैसे घर की डिमांड रहती है वैसा डाल के देते। अच्छा सही है। इसका क्या प्राइस है? इसका 20 रुपये से। 20 रुपये से? हाँ सही है। पहले 10 वाला मिलता था, अभी बंद कर दिया। हाँ, और थाउसा कितने का? थाउसा 30 रुपये। ये 20 का, वो 30 का। हाँ बढ़िया। सो गाइस हमारा आलू पूरी भी आ चुका है। अब ये काफ़ी डिफरेंट आलू पूरी है, हमारे दिल्ली में तो आलू पूरी क्या मतलब बड़ी बड़ी पूरी और आलू की सब्ज़ी साथ में, वो हमारा ब्रेकफास्ट रहता है हरियाणा में पंजाब में भी ना, बट ये कुछ अलग ही आलू पूरी है। 20 रुपये का रेट मुझे बहुत सही लग रहा है। ये टेस्ट करें कैसा आता है। पतली सी मैदे की पापड़ी रहती है नीचे ना। आइए भाई जी अभी लीजिए, डायरेक्ट खाया जाता है इसी। काफ़ी अलग सा स्वाद है, लग रहा है मैं मैदा चबा रहा हूँ, उसके अंदर सारा स्टफिंग वगैरह हो रखी है, बट है सही है, नमकीन वगैरह फ्लेवर सारे फील हो रहे हैं, बढ़िया है। अब चाहे तो नमकीन डलवाइए, चाहे तो आप मिक्स करवा लीजिए आपके ऊपर है, बट पर्सनली मुझे वो खाउसा बहुत बढ़िया लगा, ये मुझे नॉर्मल लगा, खाउसा अलग लेवल का था। आपने कहा था कि सूरत का बेस्ट खाउसा यहीं पर ही है, एक और आप बता रहे थे दुकान शायद। हाँ वो रामदेर में है, लेकिन वहाँ पे वेज नॉन वेज सब साथ ही होता है तो। ओह अच्छा अच्छा। पर दोस्तों आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, कुछ गुजराती डिश है तो हो सकता है कि नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सा समझ ना आए ये, बट खाउसा ज़रूर आपको समझ आएगा, बहुत टेस्टी लगा मुझे खाउसा। क्या क्या प्राइस है इनके? 10 रुपीज़ का है। एक समोसा रोल और समोसा ऐसे तो 15 के जो है, इसके 3 है। बड़े वाला? बड़े वाला 15 का है। चटनी प्याज। चलो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, हम आए हैं तो। वैसे इनके सारे आइटम हमने ट्राई कर ही लिए, ये गुजराती नहीं है, ये तो हर जगह चल जाता है ना। वही पंजाबी समोसा ही है, बहुत ठंडा ज़्यादा है ये तो, आपको इससे बेटर कहीं भी मिल जाएगा और भी, बट उनका खाउसा इनकी जान, उनका खाउसा एक नंबर लगा मुझे, बहुत टेस्टी है, तो मैं स्पेशली उसी को रिकमेंड करूँगा। इस दुकान पे आइए और खाउसा ट्राई करिए, मज़ा आएगा। बाकी टाइमिंग क्या है दुकान की? 8 बजे से शाम के 5 बजे। शाम 5, 7 डेज ओपन है। ठीक है, 8 से 5, 7 डेज ओपन। आइए ट्राई करें खाउसा, मस्ट रिकमेंडेड रहेगा इस प्लेस का। बाकी गाइस वीडियो को लाइक शेयर, और ऐसे गुजराती आइटम्स आपके लिए आते रहेंगे, तो जो भी गुजराती है कमेंट में बताइए कि खाउसा सही था, कैसा था, ऑथेंटिक था या नहीं था, आप हमें बताइए। वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।